अब तक संदेश खाली के दो मुख्य गुनहगार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस रिमांड पर शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार लिए गए। टीएमसी के स्थानीय नेता हैं हाजरा और उत्तम, ये दोनों टीएमसी से जुड़े हुए हैं। मामले में अब तक कुल 18 आरोपी पकड़े गए हैं। ये इस वक्त की स्थिति है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। सरकार साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अब तो आरोपी पकड़े जा रहे हैं संदेश खाली केस में, लेकिन शेख शाहजहां वो नेता टीएमसी का जिसने ईडी के अफसरों पर हमले करवाए, वो अभी तक फरार चल रहा है। क्या टीएमसी, आपकी पार्टी, आपकी सरकार शील्ड बनी हुई है उसके लिए? नहीं, मेरे सरकार किसी के लिए फील्ड बने हुए नहीं है। हमें कहीं झूठा को कभी भी कोई भी गलती को हम लोग जीरो टॉलरेंस है। और जो भाजपा जो फिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई आपकी, बैठे हुए हैं जो झूठ बोल रहा है उसको खिलाफ लीगली एक्शन, आपको चैनल के माध्यम से जो वीडियो है देखा है कल जिसको खिलाफ। अरे सरकार साहब, शेख शाहजहां पे सवाल पूछा है ना, कहां फिर वीडियो पे पहुंच गए आप? ये आरएसएस और बीजेपी का दलाल है, ये आरएसएस बीजेपी का दलाल होकर दलाली करने के लिए बैठे। निखिल प्रसून जी, मोदी जी, निखिल प्रसून जी, पूरे सारे जितने आरोप है सब राजनीति से प्रेरित है, सब बीजेपी आरएसएस का किया धरा है। सरकार साहब कह रहे हैं शिवू हाजरा और 18 को खूब युद्ध में किया गया है, अगर कुछ हुआ ही नहीं है तुरंत, जो अगर सच को झूठ बताने की कवायद में लगे हुए पिछले चार दिन से, इनके खिलाफ तो मतलब कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से समूचे यहाँ पर प्रशासन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त हमारे पास इतना ही था, इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा।